हाय गाइस, मैं हूँ फेयर और मैं हूँ हैंडसम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। सो गाइस, मेरे वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे चैनल को ढेर सारा आप सबका प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। गाइस, पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए। गाइस, सुबह हो चुकी है, एक नई सुबह, और मैं जा रहा हूँ अभी ऋषभ को छोड़ने के लिए। ये मॉस्किटो मारने वाला धुआं उड़ाया जा रहा है। निकालो भाई, गाड़ी निकालो जल्दी। तो गाइस, अभी ऋषभ को स्कूल छोड़ कर आया हूँ और आपको पता है फिर उसके बाद मेरी ड्यूटी क्या लग जाती है, पेप्पी को टहलाना, जोई को टहलाना। तो सुबह सुबह का समय है, मज़ा आ रहा है। पेप्पी अपने दोस्तों के साथ में तो गाइज, ये जो मॉर्निंग की धूप होती है ये ज़रूर लेनी चाहिए, इसमें बहुत सारी एनर्जी होती है, जैसे कि विटामिन डी मिलता है, हमारी हड्डियों को मजबूत करता है। तो सुबह जल्दी उठेंगे तभी तो धूप ले सकते हैं, और फिर जब जल्दी उठेंगे और सन की जो धूप है वो आप लेंगे सन बाद, पूरा दिन आपका एकदम एनर्जी से भरा हुआ रहेगा, थकावट महसूस नहीं होगी। करके देखिए, ये देखो पेपी ग्राउंड में आती है खेलने के लिए। पेपी को लेके आया और पेपी को घर पे छोड़ा, अभी सोई को लेके आया हूँ नीचे, वो जिद कर रहा है। ये देखो तो ये ड्यूटी मेरी सुबह में रहती है। गाइस, एक बिल्ली है यानी कैट है, जोई उससे दोस्ती करना चाहता है बट वो दोस्ती नहीं करना चाहती है। आई डोंट नो, पता नहीं क्या है, दोनों में बहुत लड़ाई होती है। ये देखिए, और अभी जोई उसको ही देखता रहेगा, अरे मान जा भाई, कर ले दोस्ती, फायदे में रहेगी। देखो कितना खूबसूरत है मेरा जोई। हाय गाइस, अभी मैं आपको लेकर चल रहा हूँ एक ऐसी जगह जहाँ आपको देखकर बहुत सुकून मिलेगा, क्योंकि मुझे पता है आपके इधर गर्मियाँ हैं। यहाँ का मौसम तो एक जैसा होता है, यहाँ भी गर्मी होती है लेकिन ठंडी नहीं होती है, बट आपके इधर गर्मियाँ स्टार्ट हो चुकी हैं, काफ़ी गर्मी होगी। तो मैं ऐसी जगह लेके जा रहा हूँ जो देखकर आपका मन करेगा वाह, काश मैं वहाँ होती या होता। तो बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। लाइक करिए, कमेंट करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो गाइस, हम लोग निकल चुके हैं और अभी आप रोड के सिनेमैटिक्स देखो, और उतने देर में जब तक आप वो देखोगे तब तक हम पहुंच भी जाएंगे वो जगह पे। तो चलो चलते हैं, चलो।
ऋषभ, ऐसा क्या सूझा तुमको कि इतनी धूप में जा रहे हो ब्लॉगिंग करने के लिए? मुझे कुछ नहीं सूझा, बस मुझे वीडियो बनाना था, इसके लिए निकल पड़े। तो आपको क्या लगता है कि ऑडियंस इस वीडियो को लाइक कमेंट करेंगे? हाँ, और गाइस इस वीडियो का लाइक टारगेट है 100 लाइक्स और व्यूज टारगेट है गाइस 500। आई होप सो आप कर सकते हो। जो आज तक नहीं हुआ वो कैसे होगा? क्यों है? पहले की एक वीडियो पे तो हुआ था। सो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं सन सिटी, और हमारी जो डेस्टिनेशन है उधर जाने के लिए हमें सन सिटी होकर ही जाना पड़ता है। तो चलो हम हमारी डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं और मिलते हैं। और पापा ड्राइविंग कर रहे हैं और मैं पीछे बैठ के व्लॉग बना रहा हूँ, और आपको व्यूज़ कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो चलो चलते हैं। ऋषभ, ये इस साइड में जो एक और सड़क बनाई है ना, हाँ, ये सुबह ट्रैकिंग के लिए लोग यहाँ पे सुबह सुबह रनिंग करने और वॉकिंग के लिए आते हैं। अच्छा, तो हम भी आया करेंगे। ज़रूर ज़रूर आएंगे। और ये आगे यहाँ पे जो पार्क है वहाँ भी प्रैक्टिस करते हैं। अभी पता नहीं, खुला तो नहीं है, खुल जाएगा तो अच्छा होगा। और हम आ गए हैं अभी मिनी गोवा। लग रहा है ना मिनी गोवा? मिनी गोवा नहीं है ये, हम आ गए हैं, पहुंच रहे हैं अरनाला बीच। अभी पहुंचे नहीं है, अभी बहुत दूर है। तो मेरे साथ बने रहिए और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फेयर एंड हैंडसम। लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। तो गाइस सच में यहाँ पे जब हम आते हैं ना, तो हमें जो फीलिंग होती है ना, वो गोवा की ही फीलिंग आती है। बस हम बियर नहीं पीते। अगर समुंदर के किनारे बैठ के या होटल में बैठ के बियर पिए तो फिर पूरा गोवा ही लगेगा। और ये देखो इस साइड में सब खेत है, फूलों की खेती है। और सबसे ज़्यादा मज़ा आता है ना यहाँ पे रिसोर्ट का। तो 2000 रिसोर्ट होंगे? 2000 नहीं होंगे, 500 तक होंगे। हाँ, 500 रिसोर्ट होंगे कम से कम। बहुत मज़ा आता है। और वहाँ पे एक बहुत अच्छा रिसोर्ट है जिसका नाम है ग्रीन पैराडाइज रिसोर्ट। ये देखिए नारियल के झाड़। ऋषभ, ऐसा लग रहा है ना केरला आ गए हम। तो पूरा केरला वाला फीलिंग है। आ रहा है। एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है यहाँ का, ऑक्सीजन लेवल बहुत अच्छा है। तो अगर आप नज़दीक रहते हैं तो एक बार ज़रूर आइए। हाँ, नज़दीक भी नहीं रहते और कहीं दूर रहते हैं तो जब मुंबई आना हो तो एक बार यहाँ पे ज़रूर आना। मुझे इंस्टा पे फॉलो कर लेना, मैसेज करना, मैं आपकी हेल्प करूँगा पूरी। ठीक है, हेल्प करेंगे ऋषभ? यस यस। देखो ऋषभ ने भी बोल दिया हेल्प करेंगे। तो आप इंस्टा पे फॉलो कर लेना, मेरा इंस्टा का आईडी हर एक वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। वहाँ पे आप क्लिक करेंगे ना तो डायरेक्ट इंस्टा पे चले जाएंगे। तो इंस्टा पे फॉलो कर लेना और मुझे मैसेज करना। और बताइए ऋषभ, देखो ये खेत ठंडे ठंडे आ गया। विसावा होटल, विसावा रिसोर्ट। और बस इसके आगे जब हम थोड़ा सा और चलेंगे, वाह क्या स्लाइड बना दिया यार, जब थोड़ा सा और चलेंगे तो पहुंचेंगे हम वेव, ब्लू वेव। ये देखो ब्लू वेव आ गया तुम्हारा, ब्लू वेव रिसोर्ट। अब यहाँ से हम लेफ्ट टर्न मारेंगे, लेफ्ट टर्न मारेंगे, ये बोर्ड लगा हुआ है ग्रीन पैराडाइज का। लेफ्ट टर्न मारेंगे और सीधा पहुंचेंगे, 100 मीटर है, ज़्यादा नहीं है, 100 मीटर की दूरी पे है ग्रीन पैराडाइज रिसोर्ट। तो गाइस रिसोर्ट हम पहुंचने वाले हैं, दिल थाम के बैठो, ये मेरी बाइक को देखते रहो और पहुंच जाओ रिसोर्ट में। कौन सा रिसोर्ट है ऋषभ? ये है केलवे। केलवे कालवा है कि केलवे है। और हम पहुंच गए हैं ग्रीन पैराडाइज रिसोर्ट।